तो आज हम बनाएंगे डोरा केक। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 30 रुपीज़ वाला ओरियो का पैकेट लिया है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके इसके अंदर की क्रीम निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फाड़ ले रही हूँ। मैंने एक प्लेट ली है और ये मैंने पूरा निकाल लिया। ऐसे अंदर की क्रीम हम पूरी निकालेंगे, इसके अंदर की ये वाली क्रीम पूरी हम निकालेंगे स्पून की मदद से। इस तरीके से हम क्रीम निकाल के रख लेते हैं प्लेट में एक जगह पे, या फिर आप कोई दूसरा बाउल भी ले सकते हैं रखने के लिए। हम तो इसी तरीके से हम सबको कर लेते हैं, सारे बिस्किट्स के क्रीम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे की क्रीम निकाल ली है ओरियो के। तो अब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूंगी। सॉरी, तो मैंने गलत बोल दिया था। हम इसका पहले पाउडर बनाएंगे इस बिस्किट्स का। हम इसके अंदर डाल के अब जार में पीस लेते हैं। इसका हम पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ एक बाउल में। मैंने सारा टेक्सचर इसके अंदर डाल लिया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। इसको अब हम मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ, डो बना रही हूँ, देख सकते हैं। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। तो अब अच्छी इतना गाढ़ा बैटर रखना है हमें, अच्छी तरीके से फेंट लेना है हमें अच्छी तरीके से। जैसे मेरी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतना। अब हमें एक कंसिस्टेंसी रखनी है, हमें इतने गाढ़ा रखना है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बिस्किट्स के अंदर ऑलरेडी बेकिंग पाउडर रहता है, तो आप फ्लेवर हम तभी भी फिर भी इसके अंदर डाल दे रहे हैं बेकिंग पाउडर। दो आधा चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर। इससे क्या होता है कि इसके अंदर ये और अच्छी तरीके से फूल के बाउंसी बाउंसी होता है। यहाँ पे मेरे पास ओरियो की स्टफिंग है अंदर जो होती है उसके। तो अब हम इसके अंदर अच्छी तरीके से हम फैट लेते हैं। पहले हम ऐसे नॉर्मली पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मलाई डालेंगे। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप बटर भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मलाई है तो आप इसके अंदर डाल लीजिए। और अगर आपके पास अगर मलाई की जगह पे दूध है तो दूध भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नहीं, वो भी नहीं है, दूध भी नहीं है, तो आप पानी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मलाई डाली है। बिल्कुल गाढ़ा फेंट लेना है, व्हिप्ड क्रीम की तरह। ये व्हिप्ड क्रीम की तरह एकदम रेडी हो चुका है। तो जैसे केक की व्हिप्ड क्रीम होती है डेकोरेशन के लिए, तो वैसे रेडी हो चुका है। अब हम नॉन स्टिक का तवा मैंने ले लिया है बनाने के लिए। तो आप नॉन स्टिक के ही तवे में बनाएं और अच्छे तरीके से बनेगा। अगर आप नॉन स्टिक के बर्तन में बनाएंगे तो आप तवे पे ना बनाएं, क्योंकि तवे पे बनाने से अच्छी तरीके से रेडी नहीं होगा। तो ये बच्चों का फेवरेट भी होता है, डोरेमोन का भी फेवरेट है डोरा केक। तो हम डोरा केक ही बना रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं हल्का हल्का। हम पूरे पैन पे कर लेते हैं ग्रीस, जिसे अच्छी तरीके से फैल जाए और हमारे डोरा केक को रखने में भी सेट करने में भी इजी हो जाए। गैस को हमने रखा है लो फ्लेम पे। ये हमारा ऑयल हो रहा है, अभी ग्रीस कर दिया था हमने, तो ये अभी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपने डोरा केक के बैटर को सेट होने के लिए रख दिया था 2-3 मिनट के लिए। तो अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, हमारी स्टफिंग भी स्टेप सेट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं पैन की तरफ पे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है अपना डोरा केक का बैटर। अब इसको हम जितना बड़ा आपको छोटा या बड़ा मीडियम साइज चाहिए अब वैसे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैटर डाल के ऐसे लंबा लंबा करेंगे जितना आपको चाहिए तो आप उतना कर सकते हैं। इसको हम ढक देते हैं। जब तक हम इनको ढकेंगे नहीं तब तक ये अच्छे तरीके से हाई लो टेम्परेचर पे पकेंगे नहीं जल्दी।
हम बीच बीच में इसको पलट पलट के चेक भी करते रहेंगे कि हमारा डोरा पैन मतलब डोरा केक हमारा रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम अपना डोरा केक देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि नीचे से वो पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का छोड़ रहा है, तो मतलब ये धीरे धीरे पक रहा है अभी भी। तो हम इसको ढक देते हैं थोड़ा और पकने के लिए। 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, कुक होने देते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, हमारे स्टफिंग भरने में दिक्कत नहीं होगी हमें। ये आप देख सकते हैं, तक आप इसको पकने ही दीजिएगा और गैस को लो फ्लेम पर रखिएगा, जिससे आपका अगर आप हाई फ्लेम पर रखेंगे तो आपका जो पैन के मतलब डोरा केक है वो जल सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सारे डोरा केक बना लिए हैं, हमने एक पैकेट यूज़ किया था तो हमारे 4 बने हैं। अगर आप दो पैकेट यूज़ करेंगे तो आपके 2 के 2 बनेंगे, पूरे बनेंगे आपके। तो आप इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर इसकी क्रीम भरेंगे। इससे हम एक और ऊपर का हम हिस्सा रख देते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं और हमारा ये डोरा केक जो है ये रेडी हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम अपने एक और जो बाकी है वो कर लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारे डोरा केक रेडी हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये गैस कितना स्पंजी है। लिया है पैन के डोरा केक का नीचे वाला हिस्सा, इसके ऊपर हम क्रीम डाल देते हैं जो इसके अंदर से होती है स्टफिंग। इसे हम एक और ऊपर का हम हिस्सा रख देते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं और हमारा ये डोरा केक जो है ये रेडी हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम अपने एक और जो बाकी है वो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्रैकिंग में भी कितना क्यूट लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखिए। तो आप इसी तरीके से बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।